मेरा नाम मोहम्मद आजाद। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 20 20 साल से कर रहे हो? मैं 5 साल से। पढ़ाई कितने की? पढ़ाई 2 साल की थी, फिर छोड़ दी। पढ़ाई हुई नहीं, फिर काम धंधे इतने मध्य पड़ गए थे इसलिए पढ़ाई नहीं करी। घर पे कोई कमाने वाले नहीं था। कौन कौन है? पापा हैं और 2 भाई हैं और मैं हूँ। पापा ने पढ़ाई नहीं करवाई? पापा बहुत बुजुर्ग हैं, पापा की 85 साल की उम्र है और पापा अब कमाते नहीं हैं। उनकी बहुत तबीयत ख़राब रहती है उनकी, तो उन्होंने काम पर बिठा लिया। अब काम तो, जब पेट पालना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई का मन था? हाँ, पढ़ाई में मन था, बहुत मन था पढ़ाई में। पूरे स्कूल में फर्स्ट आता था, मगर 2 साल पढ़ा था, दोनों साल स्कूल में फर्स्ट आया था, मगर फिर घर में परेशानी ऐसी आ गई, मम्मी का इंतकाल हो गया, तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाई। किस क्लास में फर्स्ट आया? मैं UKG में फर्स्ट आया था और फर्स्ट में फर्स्ट आया था। पढ़ाई बिल्कुल नहीं? उसके बाद नहीं किया बिल्कुल नहीं पढ़ाई। चुनाव आ गए, वोट अब की बार पर दोगे? वोट बनाए? वोट देंगे। क्या चल रहा है माहौल तुम्हें, क्या लगता है कौन जीत रहा है? जो तो आने वाला वक्त बताएगा कौन जीतेगा, वो तो हमें खुद नहीं पता। प्रधानमंत्री कौन है देश? मोदी जी। कैसे लगते हैं? सही लगते हैं, वो तो अपने काम सही करते हैं, मगर उनके नीचे जो सब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सारे सब, मगर मोदी जी कुछ निकालते भी हैं तो उनके आते 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 हमारे पास तो कुछ आता ही नहीं है, सब वही खा जाते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं आता, सब नीचे कर्मचारी खा जाते हैं। कोई मंत्री तो कोई भी ख़राब नहीं होता, सब अच्छे होते हैं, मगर उनके नीचे जो काम करने वाले होते हैं वो ख़राब होते हैं। पापा बीमार रहते हैं तो आयुष्मान भारत योजना एक चली है, स्वास्थ्य को लेकर, इलाज को लेकर, है कार्ड बना उसका? नहीं बना। अस्पताल ने गए, पूछा नहीं कि आयुष्मान भारत योजना है उसका कार्ड बनवाओ मेरा? नहीं बना। अभी पापा की आँखें बनवानी है तो उसके लिए तो बनवा नहीं रहे, मांगे थे मलकान सिंह, तो वहाँ पर कुछ भी पैरोकारी नहीं हो रही। पूछा कि नहीं? पूछा था किसी से, वहाँ पर बहुत जनों से पूछा था, मलकान सिंह गए थे, वो तो सरकारी है ना, तो वहाँ पे किसी ने पैरोकारी नहीं की, सब यही छोड़ दिया। अपने आप देखो, अपने आप आओ, जो तुम्हारा कोई अगर तुम्हारे सोर्स हैं तो काम होगा, नहीं तो कुछ काम नहीं होगा। सरकार से क्या उम्मीद करते हो, क्या करना चाहिए सरकार तुम्हारे लिए? सरकार से उम्मीद करते हैं कि अच्छे अच्छे दिन आए और अच्छे अच्छे काम हो और अल्लाह ताला वो सरकार इतनी ऐसा कर दे कि हमारे काम धंधों में भी फ़र्क पड़े। काम धंधे बिल्कुल बंद पड़े हैं। अब मैं काम करता हूँ, ज़्यादा कितने को होता है 200-250 रुपये का बस, उसमें खाली पेट खाने के नहीं हो जाते हैं, उसे और नहीं जोड़ सकते, नहीं कुछ कर सकते। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।